हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आरबी सिंह, आरबी जी टेक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे माइक्रोमीटर के बारे में। एक्चुअली ये मेजरिंग टूल है, इससे हम किसी भी चीज़ का आउटर डायमीटर लेते हैं, या जैसे हमारा अलाइनमेंट की सीमें लगती हैं उसका मेज़रमेंट करते हैं, लाइनर के नीचे जो सीमें लगती हैं उनका मेज़रमेंट करते हैं, या सिलेंडर हेड गैसकेट जो पुराने टाइप के आते थे ऐसे वाले, इनका मेज़रमेंट करते हैं, इसकी थिकनेस कितनी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके मेन पार्टों के बारे में। जैसे ये आप देख रहे हैं, ये हमारा फ्रेम कहलाता है, और ये हमारा एनविल है, और ये स्पेंडल है, ये लॉकिंग स्क्रू है। इसमें जब हम कोई भी जॉब लगाते हैं मेज़रमेंट करने के लिए, उसके बाद में रीडिंग लेने के बाद में इसको लॉक कर देते हैं, और फिर हम यहाँ पे रीडिंग काउंट करते हैं। इसको स्लीव या बैरल बोलते हैं, और इस पे हमारे मेन स्केल बना रहता है, या ये ऊपर वाला मेन स्केल है और ये नीचे वाला सब स्केल कहलाता है। और इसको हम थिम्बल बोलते हैं, और बिबेल थिम्बल, एक्चुअली ये बिबेल थोड़ा सा रहता है, बिबेल थिम्बल बोलते हैं। इस पे हमारा ये थिम्बल स्केल कहलाता है, और ये लास्ट में एंड में जो है इसको रैचिट बोलते हैं। और इस पे रैचिट के ऊपर भी हमारा नर्लिंग किया रहता है ताकि पकड़ मजबूत रहे, और इस पे भी हमारी लर्निंग की हुई है, इसको घुमाना पड़ता है मेजरमेंट के टाइम में ताकि ये स्लिप ना करे। इसको माइक्रोमीटर बोलते हैं, और कुछ लोग इसको स्क्रू गेज भी बोलते हैं, और इसको शुद्ध हिंदी में पेंच मापी बोला जाता है। एक्चुअली ये स्क्रू गेज का मतलब है, ये स्क्रू अपना नट और बोल्ट के प्रिंसिपल पे काम करता है। वो भी हम आपको खोल के दिखा देते हैं कि रेंज जो है 0 से 25 mm की है, और इसका सूक्ष्मतम माप जो है 0.01 mm है, यानी 0.01 mm का मतलब 10 माइक्रोन से कम ये मेज़रमेंट नहीं कर पाएगा। तो इसको खोल लेते हैं और दिखाते हैं कि किस हिसाब से नट और बोल्ट पे काम करता है। तो ये देख रहे हैं आप, इसके ऊपर में ये थ्रेड कटे हुए हैं, यहाँ पे अंदर में, ये अंदर में, इसके बाहर में थ्रेड कटे हुए हैं। बेसिकली ये क्या है, ये बोल्ट का काम कर रहा है, और ये हमारा यहाँ पे इसके अंदर में इंटरनल थ्रेड कटे हुए हैं। ये देखिए आप, इसके अंदर में इंटरनल थ्रेड कटे हुए हैं, और ये नट बोल्ट के प्रिंसिपल पे काम करता है। इसका एक पिच जो है 0.5 mm है, यानी आधा mm का एक इसका पिच रहता है। ये जो थ्रेड बना हुआ है, एक थ्रेड का जो है वो 0.5 mm रहता है, यानी आधा mm। तो एक चक्कर जब इसका लगता है, जब ये एक चक्कर लगाता है तो आधा mm पूरा होता है। करने के लिए, किसी भी जॉब का मेजरमेंट करने के लिए, सबसे पहले हम इसका एरर देख लेते हैं, कोई माइक्रोमीटर में एरर तो नहीं है। तो सबसे पहले अगर बंद है तो खोल लेंगे, या खुला है तो इसको टाइट करके देख लेंगे। ये हमारा जीरो, और मेन ये जो ये है स्केल, ये लाइन है, इस लाइन से मिलना चाहिए 0 0। अगर मिल रहा है इसका मतलब कोई एरर नहीं है, जैसे हमने ये किया, और रैचिट की हेल्प से इसको घुमाएंगे और देखेंगे बिल्कुल 0 0 मैच कर रहा है। ये लाइन और ये लाइन 0 वाली पूरी तरीके से मैच कर रही है, इसका मतलब इसमें कोई एरर नहीं है। तो चलते हैं, एक जॉब की थिकनेस नापते हैं। ये सिम है, एक्चुअली ये सिलेंडर हेड गैसकेट है अपना, जो सिलेंडर हेड गैसकेट लगता है उसकी थिकनेस नापते हैं। पुराने जो इंजन आते थे उसमें अलग अलग थिकनेस के सिलेंडर हेड गैसकेट आते थे, तो बम्पिंग क्लियरेंस मेंटेन करने के लिए वो कम या ज़्यादा किए जाते थे। अभी तो स्टैंडर्ड बम्पिंग क्लियरेंस आता है, कुछ ऐसा सेट नहीं करना होता है, स्टैंडर्ड एक गैसकेट होता है उससे लगा देते हैं। तो ये हमारा जॉब है, इसको हम मेज़रमेंट करेंगे सिम का कितना है सिलेंडर हेड गैसकेट का। तो इसको नापने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको रैचिट की मदद से हम इसको टाइट करेंगे, और जहाँ पे आवाज़ आ जाएगी बस इसका मतलब ये पर्याप्त टाइट हो गया है ये, और उसके बाद में हम इसको लॉक कर देंगे। अब लॉक हो गया है तो इसका रीडिंग लेने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले हम मेन स्केल में देख लेंगे कितने mm हो रहा है। तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक 1 mm हो गया, तो हम इसको लिख लेंगे मेन स्केल की रीडिंग जो है 1 mm हो गई है, 1 mm। तो यहाँ का हमने ये ले लिया है, यहाँ से 0 और 1 1 mm हमने लिख लिया है। अब इसके आगे चलते हैं सब स्केल में। सब स्केल में क्या देखना है हमको, कि इसके बाद में
कोई आ रहा है हमारा पॉइंट या स्केल आ रहा है नहीं आ रहा है, तो ये हमारा बिल्कुल आने वाला है लेकिन पूरी तरीके से आया नहीं है, तो इसको भी हम 00 बोल देंगे। अभी ये नहीं है कोई भी, यहाँ पे लाइन कोई मैच नहीं कर रही है, तो हम इसको 00 ले लेंगे। सब स्केल रीडिंग 00। और थिम्बल स्केल पे हमारा क्या है, अगर ये यहाँ तक आ जाता तो आधा एमएम हो जाता, अभी यहाँ पे 0.45 है, तो इसको हम लिख लेते हैं 0.45 mm। अब इसको हम जोड़ लेंगे, तो ये हो गया हमारा 5, यहाँ पे हो गया 4, यहाँ पे पॉइंट लग गया, ये 1.45 mm रीडिंग हो गई हमारी। जैसा कि आपने देखा सिलेंडर हेड गैसकेट की थिकनेस 1.45 mm है। सबसे पहले हमको मेन स्केल की रीडिंग ले लेनी है, उसके बाद में उसमें सब स्केल की रीडिंग ऐड कर देना है, अगर कोई हमारी लाइन मैच कर रही है तो सब स्केल की रीडिंग लेना है, और उसके बाद में थिम्बल स्केल यानी सर्कुलर स्केल की रीडिंग उसमें ऐड कर देनी है, तीनों रीडिंगों को जोड़ लेना है, और जो फाइनल रीडिंग आएगी वो हमारे सिलेंडर हेड गैसकेट की थिकनेस है। तो हमारे सिलेंडर हेड गैसकेट की थिकनेस 1.45 mm है। और अच्छी तरीके से समझने के लिए एक रीडिंग और ले लेते हैं। हमारे पास सिलेंडर हेड की स्लीव है, इसका आउटर डायमीटर मेज़र करते हैं और देखते हैं। ये हमने स्लीव लगा ली है, स्लीव का नीचे वाला हिस्सा का डायमीटर थोड़ा कम है, इसको दोबारा हमने टाइट कर लिया है लगा करके। अब इसकी रीडिंग देखते हैं। एक्चुअली ये 0 से 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9, 10 नहीं दिख रहा है, तो हम मेन स्केल में 09 mm लिख लेते हैं, और इसके बाद में सब स्केल में देख लेते हैं। इस 9 के बाद में दूसरा वाला जो है हमारा ये मैच कर रहा है, एक यहाँ पे भी एक लाइन दिख रही है, एक लाइन जो है इसके बीच, ये एक्चुअली एक एम एम की दूरी पे है, और ये हर एक एम एम को दो भाग में बांटता है, नीचे वाला जो सब स्केल है हर एक एम एम को दो भाग में बांटता है, तो ये 10 नहीं आ रहा पूरी तरीके से, तो 9 आ रहा, तो 9 हम सबसे पहले लिख लिए हैं। अब इसके बाद में ये दूसरा एक ए लाइन मैच कर रही है, लाइन दिख रही है, दिखाई दे रही है वाली लाइन, तो ये इस लाइन का जो है ये 0.5 mm की होती है, यानी आधा एम एम की लाइन होती है, तो हम इसमें लिख लेंगे 0.50 mm। अब इसके बाद में सर्कुलर स्केल पे हम देखते हैं क्या आ रहा है, तो ये हमारा 0 से 5, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 19 आ रहा है, यानी 0.2 से थोड़ा सा कम है, 0.19 आ रहा है, तो हम थिम्बल स्केल की रीडिंग 0.19 लिख लिया है। अब इनको तीनों को जोड़ लेंगे, वो हमारी इसकी आउटर डायमीटर हो जाएगी। ये आ गया 9, 5, 6, 0.9, ये हमारा इसका आउटर डायमीटर हो गया 9.69 mm। तो ऐसे मेज़र करते हैं। इसी तरीके से हम माइक्रोमीटर से किसी भी जॉब की थिकनेस या आउटर डायमीटर लेते हैं। तो आज हमने लिया जानकारी आउटसाइड माइक्रोमीटर के बारे में, अगले वीडियो में हम इनसाइड माइक्रोमीटर के बारे में जानकारी लेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।